अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको तकरीर लिखने का निहायत सादा शानदार बेहतरीन तरीका बताया जाएगा। तकरीर दो तरह की होती है, एक मुकाबले की तकरीर है, एक आम तकरीर है जो किसी मजमा में की जाती है। आपको कहीं पर इनवाइट किया गया, आपने इजहार ख्याल करना है, आप फंक्शन पर गए हैं, वहां आपने तकरीर करनी है, आप टीचर हैं, आपको स्कूल में फंक्शन पर इजहार ख्याल के लिए बुलाया गया, आपके इदारे में कोई फंक्शन है, एनुअल डिनर है, वहां पर आपको इजहार ख्याल के लिए बुलाया गया, आपका स्कूल में फर्स्ट डे है, आपने वहां स्पीच करनी है, या लास्ट डे है, वहां आपने स्पीच करनी है। इस तरह की स्पीच कैसे की जाती है? हर शख्स को जिंदगी में कहीं ना कहीं तकरीर लाजमी करनी पड़ती है, किसी भी मकाम पर उसको तकरीर करनी पड़ती है। अगर आपकी जिंदगी का एक बेहतरीन मकसद है, आपको वो मकसद लोगों को बताने के लिए, उस मकसद पर काम करने के लिए स्पीच करनी पड़ेगी। आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, आप अच्छे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप अपनी बात समझाना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छा मुकर्रर बनना पड़ेगा। तकरीर कैसे लिखी जाए, ये सारा तरीका आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि इस तरह की जितनी भी वीडियोस हों आप तक बरवक्त पहुंच सके। नाजरीन, तकरीर करने से पहले आपने तीन बातें माइंड में रखनी है। पहली बात, आपने अपना मकसद माइंड में रखना है कि आपकी तकरीर करने का मकसद क्या है, यानी कि उन्वान को जदीद टर्म दी गई मकसद की, कि आप क्या मकसद लेकर तकरीर करने गए हैं, आप क्या बात समझाना चाहते हैं, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, आप उस टॉपिक की खूबियां खामियां दोनों को माइंड में लाजमी रखेंगे। दूसरी बात, तकरीर पहले समझ लें तकरीर है क्या, अपने ख्यालात को बिला झिझक दलाइल के साथ लोगों के सामने पेश करना तकरीर कहलाता है। आपने अपने तमाम तर ख्यालात को लिखना है जो कि आप पेश करने जाएंगे। तीसरी बात, आपने ये बात माइंड में रखनी है कि आपने तकरीर किन से करनी है, सामईन कौन है, सुनने वाले कौन हैं, आपके कुलीग्स हैं, टीचर्स हैं, किसान हैं, जज हैं, वकील हैं, कौन लोग हैं जिनके सामने आपने तकरीर करनी है। अब हम चलते हैं तकरीर लिखने की तरफ। आप जब डाइस पर जाएं, सलाम करने के बाद आप उनका शुक्रिया अदा करें जिन्होंने आपको बोलने का मौका दिया, इजहारे ख्याल का मौका दिया, आप उनका शुक्रिया अदा करें। अगली बात, दूसरी, आपने लिखना है अपना मकसद कि आपका तकरीर करने का मकसद क्या है, उन्वान क्या है, आपने वो मकसद लोगों को बताना है, आप किस लिए तकरीर करने गए हैं, ये बात आपके माइंड में क्लियर हो या आपने लिख लेनी है। तीसरी बात, जो उनवान है आपके पास, जो आपके पास मकसद है, इसको आपने बयान करना है, उस मकसद की, उस उनवान की, उस टॉपिक की, उस मसले की आपने कुछ खामियां भी बयान करनी है। वो जो खामियां होंगी, उन खामियों को हल कैसे करना है, आपने ये भी लाजमी बयान करना है। इसके लिए आपको दलाइल देने पड़ेंगे, आपको दलाइल देने पड़ेंगे कि ये खामियां हैं, फिर आप दलाइल के साथ बताएंगे कि अगर इस खामी को हमने हल करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसका हल आपने लाजमी देना है। चौथी बात, आपने एक किस्सा भी लिखना है, एक छोटा सा किस्सा, उससे रिलेटेड, दलाइल से रिलेटेड, उस मसले से रिलेटेड आपने वो किस्सा सुनाना है, ताकि सामईन आपकी तरफ मतवज्जा हो जाए, फिर आप इजारे ख्याल करें जो कुछ आप कहना चाहते हैं। लेकिन याद रहे कि जो कुछ आपने कहना है उस उनवान से रिलेटेड हो, उससे हटकर आपने कोई बात नहीं करनी, आपने किसी और तरफ नहीं चले जाना, अपने टॉपिक पर ही रहते हुए तकरीर करनी है, वही चीज लिखें जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है। अगली अहम बात, आपने अशआर भी शामिल करने हैं, कुछ शेर सुनाएं। जब आप शेर सुनाएंगे, सामईन आपकी तरफ मतवज्जा हो जाएंगे, आपको सुनेंगे, गौर से सुनेंगे, तो शेर तकरीर में होना बहुत जरूरी है, लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो आपने शेर को तरतीब दे देना है, कहां पर कौन सा शेर एडजस्ट करना है वो आप देख लीजिएगा। शेर आप गूगल से ले लें, किसी किताब से ले लें, अपने टॉपिक से रिलेटेड आपने शेर लेना है। नेक्स्ट अहम बात, आपकी तकरीर अब काफी हद तक मुकम्मल हो चुकी है, आखिर के मराहिल में है। अब आखिर के मराहिल में
आपने दो तीन बेहतरीन जुमले अपने सामईन को बताने हैं, कोई ऐसा काम निचोड़ तकरीर का, उस मसले का हल क्या होगा वो आपने दो तीन जुमलों में बता देना है, ताकि वो जुमले सामईन के दिमाग पर नक्श हो जाएं। जब वो कहीं जाएंगे तो वो जाकर कहें कि फलां शख्स ने ये दो जुमले बड़े कमाल कहे थे, उसका जुमला मेरे दिल पर जाकर उतरा, और वो उस पर अमल करें। आपको कहीं बाद में याद करें तो उस जुमले की वजह से याद भी करें आपको। इख्तिताम पर एक बेहतरीन शानदार शेर कहें, वस्सलाम कहें, अल्लाह हाफिज़ कहें और चल।